जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। साथ निभाना साथिया। इन लोगों ने मेरा मुंह बंद किया, सबके सामने मुझे नौकरानी बोला। अब देखना, अब मैं क्या करूंगी। तुम लोगों को जिस चीज से बहुत प्यार है उसे मैं इतना डर दूंगी कि तुम लोग भी तड़प उठोगे। कोकी आंटी, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिग्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। लेकिन हाँ, राधा के साथ जो भी कुछ किया हम सबने बहुत ठीक किया, सही सबक सिखाया उसे। वो सब तो ठीक है परिधि, पर हमें भी राधा को कम नहीं समझना चाहिए। वो चुप नहीं बैठने वाली, देखना वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। मीरा, मीरा, मीरा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मीरा? क्या हुआ मीरा? राधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? परिधि, जल्दी से पानी और शहद लेकर आओ। जी आंटी। पानी, पानी। शांत हो जा। वो भी वो पानी पिलाओ इसे। मैंने तुझसे कहा था ना राधा, कि मेरे बच्चों को कुछ भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे परिधि, इसे कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। ऐसा व्यवहार मेरे साथ कभी मत करना। मॉम, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे बच्चों के साथ ऐसा करेगी? मैं अभी जाके उसे ठीक करता हूँ। रुको जिगर, भावावेश में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। आप लोग ये क्यों बात भूल जाते कि वो अकेली और हम सब एक हैं? लेकिन दिखरा, हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो सोचना है बा, और इस बार ना हमें कोई बिग प्लान करना होगा। किसी ऐसी चीज में उस राधा को फंसाना होगा कि वो फिर कभी हमें ब्लैकमेल ना कर सके। हमें ना उसके हाथों से किसी को मरवाना होगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम परिधि? ये सब सोच सोच कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रिलैक्स रिलैक्स, ये सिर्फ एक फेक एक्सीडेंट होगा और कुछ नहीं। इस तरह से हम उसे फंसाएंगे और उसे पुलिस के हाथों पकड़ाने की धमकी देंगे। फिर आप लोग देखना वो कैसे हर एक बात को मान लेती है। और आंटी, हम उसे तब तक ब्लैकमेल करते रहेंगे जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। परिधि, पर इन सब में किसी के जान को खतरा हो सकता है। गोपी बहन, आप इस बात को क्यों नहीं समझती? गोपी बहन, कि बुराई को खत्म करने के लिए बुराई काम आती है। हम सब कुछ अच्छी तरह से प्लान करेंगे। अब हमें ये सोचना होगा कि हम किसे मरवाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप में से कोई नहीं हो सकता। वो क्या ना, अगर घर का ही कोई मेंबर हुआ ना, ये तो राधा को आसानी से पता चल जाएगा। Yes! I know कि वो कौन हो सकता है। उर्मी मासी।
परिधि कि तुम क्या कह रही हो। हम मामी जी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। गोपी बहन, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहती then it's okay, कोई बात नहीं। मुझे पूरा भरोसा इस नकली ड्रामा के लिए ना उर्मी मासी परफेक्ट कैंडिडेट है। और आज इवेंट में आप सबने भी देखा ना कि राधा ने कैसे मासी का गला पकड़ा था। इन फ्यूचर में ये भी हमें एक प्रूफ मिल सकता है इस बात का। बिल्कुल नहीं परी, ऐसा कभी नहीं होगा। रुक जाओ कॉपी कोकिला, जानती हो ना तुम कई बार जहर को उतारने के लिए जहर देना पड़ता है। भाभी आप कह रही हैं? ये मैं नहीं, एक माँ आप खुद बताइए क्या ऐसा करना सही होगा? कभी कभी झूठ को तोड़ने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मेरे कान्हा जी, उनको भी महाभारत के युद्ध में यही रास्ता अपनाना पड़ा था। तो मेरा ऐसा मानना है परिधि ने अभी जो भी सुझाव दिए उसे हमें मानना होगा। यही एकमात्र रास्ता नजर आ रहा है। ठीक है माता भाई, मेरा साथ जरूर मिलेगा आपको। पर माँ जी, अगर इन सबके चलते हुए मामी जी को सच में कुछ हो गया तो? उर्मिला बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।